हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों, मैं हूँ विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ में मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का ये पहला क्लास होगा, तो हम छोटा छोटा एकदम बेसिक चीज़ को लेकर चलेंगे और एकदम बेसिक से चलेंगे, इसलिए कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी आसानी से सीख सके। तो आइए, मेंसुरेशन में हमें पढ़ना क्या है। मेंसुरेशन में इसके दो पार्ट्स हैं, मेंसुरेशन में आपके दो पार्ट्स हैं। पहला तो क्षेत्रफल और परिमाप, और दूसरा है वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन के बारे में भी पढ़ना है और एरिया और पेरीमीटर्स के बारे में भी पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम एरिया और पेरीमीटर से शुरू करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आयतन में। मैं आपको साथ साथ बता दूं कि आपको एरिया और पेरीमीटर्स में पढ़ना क्या क्या है। क्षेत्रफल और परिमाप में आपको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज के बारे में, जितने भी त्रिभुज हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सर्कल यानी वृत्त के बारे में पढ़ना है, और फिर आपको चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जितने भी त्रिभुज हैं उसके बारे में, सर्कल के बारे में, यहाँ वृत्त के बारे में और अर्धवृत्त के बारे में भी पढ़ना है। चतुर्भुज में आपको वर्ग के बारे में पढ़ना है, आयत के बारे में पढ़ना है, सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज जो भी हैं सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज त्रिभुज से, फिर सर्कल और फिर हम चतुर्भुज पर चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज में ना दोस्तों, चाहे आप ज्योमेट्री पढ़ो तो भी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है आपको, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, सॉरी ज्योमेट्री पढ़ लो या मेंसुरेशन पढ़ लो, हाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी समकोण त्रिभुज के बारे में तो पढ़ते ही हैं। तो ध्यान रहे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे समकोण त्रिभुज से। सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होगा ना, वो समकोण त्रिभुज से। और समकोण त्रिभुज होता है भैया 90 डिग्री, जिसका एक कोण हो। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होगा वो समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ना है और आपको मेंसुरेशन में भी पढ़ना है। फिर जब हम ज्योमेट्री में जाएंगे तो कोण के आधार पर होगा, जैसे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन जब हम क्षेत्रफल और परिमाप में पढ़ेंगे तब तो समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे ही, फिर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें समकोण त्रिभुज की। ये तीन शीर्ष हैं इसके, ए बी सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। हम इसमें कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। अब ध्यान देना कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगा, इसको एच से लिखा जाता है। और अगर थीटा हम यहां लेते हैं तो लंब ये होगा, कोण सी से चलोगे तो लंब ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया इसको पी से। और थीटा अगर यहां से लेंगे तो लंब ये होगा, लेकिन अगर लंब ये ले लिए हैं तो ये आधार हो गया, और इसको बी से लिखा जाएगा बेस को, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे दोस्तों, हम क्या बोलेंगे, आधार, आधार यानी क्या बोलेंगे, बेस, ठीक ना। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले एक चीज आपको जानना होगा कि समकोण त्रिभुज जो है ना हमारा, समकोण त्रिभुज कब होगा, जब कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाता है, थीटा यहां ले लिया तो ये लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। इसका शर्त यह है कि कर्ण का वर्ग, दोस्तों याद रहे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होगा, और बड़ा कोण तो उसके सामने की भुजा बड़ा, छोटा कोण तो उसके सामने की भुजा छोटा। तो कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के यानी लंब के और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होगा ना, बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 3, 4, 5,
तो तीन चार पांच, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? पांच, तो ये कर्ण हो गया। बाकी इसको लंब, इसको आधार कह दो, चाहे इसको लंब इसको आधार कह दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये शर्त आना चाहिए, पूरा करना चाहिए ये शर्त कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तभी वो समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे सबसे बड़ी भुजा हो गया आपका कर्ण, तो पाँच का स्क्वायर बराबर इन दोनों का तीन का स्क्वायर, आप प्लस फिर बी के जगह रख दिया चार का स्क्वायर। दोस्तों पाँच का स्क्वायर 25 होता है, जबकि तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है। ये हो गया आपका 25, 16, 9 भी 25, यानी क्या हुआ इन दोनों का वर्ग, मतलब इन दोनों छोटे वाले का वर्ग करके जोड़ा तो ये बड़े वाले वर्ग के बराबर हो गया, ठीक है ना, 25 बराबर 25। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर इस शर्त को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर कुछ संख्या दे दूं और मैं आपको कह दूं कि चार, छह और आठ ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं, तो दोनों छोटी भुजा का वर्ग एक तरफ कर लो और बड़ी वाले का वर्ग एक तरफ कर दो। चार का स्क्वायर आपका 16, छः का स्क्वायर होता है 36 बराबर यहाँ 8 का स्क्वायर 64 लिखते हैं। ये 6, 6, 12, 3, 2, 5, 1, 6 ये हो गया 62। 6, 6, 12, 3, 1, 4, 1, 5, 52 52 हो गया। तो 52 कभी 64 के बराबर नहीं होता है, 52 कभी किसके बराबर नहीं होता है, 64 के बराबर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। यानी आप ये चीज़ सीख गए हैं कि कोई समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है, तो ये बात आपको पता हो जाएगा। दूसरा तरीका देख लो, अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 से शुरुआत है, ये सबसे पहला है ध्यान रखना, और ये ऐसा है जो ये लगातार आने वाली संख्या से शुरू होता है, जैसे 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, तो लगातार क्रम से तीन ऐसे संख्या हैं, 3, 4, 5 तीन ऐसे संख्या है जो समकोण त्रिभुज के भुजा को दर्शाता है। आगे इसका दुगुना कर दो, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। फिर 3 का 3 गुना करो, 3 तिहाई 9, इसका 3 गुना 12 और इसका 3 गुना 15, इसी तरह आगे भी कर सकते हो। ऊपर वाले का दुगुना, फिर ऊपर वाले का 3 गुना, ऊपर वाले का 4 गुना, ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक ना। तो ये देख लेंगे ये समकोण त्रिभुज की भुजाएँ हो जाती है। जैसे देखो इन दोनों छोटी का एक जगह वर्ग करते हैं, तो 9 का वर्ग और 12 का वर्ग बराबर क्या 15 के वर्ग हो रहा है। 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 15 का 225 होता है। भैया 144 और 81 जोड़ लो, 4 1 5 4 8 12 12 के 2 हासिल 1 1 2 ये हो गया 225, उधर हो गया 225। आप देखो तो क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, यानी कि दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है, तो वो समकोण त्रिभुज है। अभी हमने आपको ये सिखाया कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं, ये बात आपने सीखा। दोस्तों एक बात याद रखना, ये समकोण त्रिभुज में ये जो आपका समकोण त्रिभुज होता है ना, अगर मान लो कि ये तीन शीर्ष इसके ABC दे दिए हैं, कैपिटल बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से, कैपिटल सी के भुजा कैपिटल सी है इस कोण के सामने की भुजा स्मॉल सी से, और कैपिटल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए से, यानी इस कोण के सामने की भुजा स्मॉल ए से, ये लिखने का सही तरीका है। इसका परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप जो होता है ना, कोई भी लाइन से घिरा हुआ, समतल लाइन से घिरा हुआ, ये समतल सतह एकदम बराबर सतह, ये ऊंच नीच नहीं होगा, समतल होगा। तो ये तीन भुजा से घिर गया ना, तो ये त्रिभुज हो गया। जैसे कोई खेत है तो तीन आरी बना देते हैं उसका, है ना, बीच में जो होता है हमारा खेत होता है, तो खेत तो चतुर्भुज की तरह होता है, कोई होगा किसी का त्रिभुज भी हो गया। तो देख लो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी परिमाप ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है ना, ये परिमाप हो गया। जबकि इसका अगर अर्ध परिमाप की बात करें, अर्ध परिमाप अब आपको स्पष्ट है, अर्ध परिमाप है ना, तो इसको हम एस से लिखते हैं अर्ध परिमाप को, ध्यान देना। तो क्या करेंगे हम, तीनों भुजा को जोड़कर और 2 से भाग लगा देंगे तो अर्ध परिमाप भी हो जाएगा हमारा, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होगा। परिमाप होता है किसी भी आकृति की भुजाओं के लंबाई का योग, चाहे वो वर्ग हो या वृत्त हो, वृत्त में भी भुजा न कहेंगे, लेकिन इसका जो घेरा है, इसी से घिरा हुआ जो है ना, यही परिमाप है, इसको हम परिधि कहते हैं वृत्त में। जबकि अगर कोई चतुर्भुज है
तो बोलो वर्ग रहे आयत रहे कुछ भी रहे, इसके चारों लाइन को जोड़ लो कि जितना आ रहा है वही आपका परिमाप हो गया। तो किसी भी आकृति के भुजाओं के लंबाई का योग ही परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी समतल आकृति। अब ध्यान देना, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है ना, तो इस समकोण त्रिभुज में ये लंब आधार और ये कर्ण, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण कब होगा, जब एक कोण 90 डिग्री होगा तब। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई की जगह यहाँ पी है, एच से नहीं, एच तो ये तिरछा है, कर्ण है जो एकदम खड़ा है, ये ना हो गया ऊंचाई, ध्यान देना। अच्छा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, याद रहे 1/2 आधार गुना ऊंचाई ना, ये फॉर्मूला सब त्रिभुज पर लगता है। बच्चा के दिमाग में एगो बात फिक्स हो जाता है कि न न न न न इस समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, अब बाकी सब के लिए अलग अलग पढ़ा दिया गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये ना ये फॉर्मूला सब पर लगता है, देखिए ना हम आपको लगा के दिखाते हैं, ये सब पर लगेगा। अब मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज पहले है, और इस समकोण त्रिभुज में ना अगर मान लो कि केवल ये भुजा आपको 10 दी हुई है, ठीक है, ये भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, और इसका आपको एरिया पूछा है, आपसे क्या पूछ लिया कि एरिया क्या होगा। अच्छा तो एरिया पूछा है तो आपको एक बात पता होना चाहिए ना कि हमको कर्ण पता है, आधार पता है, लेकिन इसकी ऊंचाई यानी लंब तो पते नहीं है, तो कैसे निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है भैया, क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का 1/2 आधार और गुना होता है ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार तो पता है, ऊंचाई नहीं पता। तो अभी एगो कंडीशन आपको बता दिए ना कि कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो h के जगह कर्ण आप 10 का स्क्वायर लिख दो बराबर, ये p निकालना है तो p स्क्वायर प्लस b 8 का स्क्वायर आधार है, ये 100 में से आके घट जाएगा 8 के स्क्वायर 64 बराबर उधर p स्क्वायर रहेगा, 100 में से 64 गया तो कितना आ गया भैया 36, इधर हो गया पी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ गया, तो 6 हो गया पी का मान, पी का मान कितना 6, यानी ये भुजा निकल कर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब काम बन गया, हमको यही तो भुजा चाहिए ही चाहिए। लीजिए 1/2 आधार है 8 ऊंचाई है 6, 2 से काटा 4 बार में 4 × 6 = 24, क्या कहेंगे 4 × 6 = 24 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा ये वर्ग सेंटीमीटर क्यों कर देते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो गया, ये बात को जानिए, इस बात को जानिए। देखिए हुआ क्या ना कि 1/2 आधार 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा गया, आ ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर लिखाया, आ 2 × 8 4 × 6 = 24 हुआ, आ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया। बात है समझ में, क्या कि देखिए कोई भी वैल्यू होता है उसका पावर एक तो होता है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक के बार लिखाया, एक एक पावर हो गया यहाँ 2, तो ई बात हो जाता है। तो जब आपको एरिया होगा तो होगा मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, है ना, या फीट स्क्वायर में। जैसे अगर मान लो, अगर मान लो कि हमारा कोई वर्ग है और इसकी 4 फीट इधर से है, इसकी लंबाई 4 फीट इधर से भी है ना, तो इसका क्षेत्रफल 4 × 4 तो करेंगे ही, 4 × 16 होगा, लेकिन फीट गुना फीट, ये फीट स्क्वायर, इसलिए हम कहेंगे इसको 16 फीट स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जब भी होगा ना तो स्क्वायर लगा के होगा, जबकि आयतन होगा तो क्यू लगा के होगा, यानी उस पर पावर 3 चढ़ा दिया जाएगा। तो अभी आप एक चीज़ समझ गए कि समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, उसके बाद परिमाप है तो तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज देखिए नाम से स्पष्ट है कि वो त्रिभुज कैसा होगा। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी बराबर भुजा हो। तो त्रिभुज में भुजा कैगो होता है, 3 गो होता है, तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होगा ना भाई साहब, उहे होगा समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने 3 भुजा वाला, यानी कि जिसके तीनों भुजा बराबर है वो समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा को स्मॉल ए से लिखा जाता है,
अब देख लो, अब यहां ध्यान देना कि इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल ये होता है रूट थ्री बट्टा फोर अब भुजा स्क्वायर, कोई एक भुजा का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि तीनों भुजा तो वही बात होता है, यह इसका क्षेत्रफल हो गया। जबकि इसके परिमाप की हम बात करें तो परिमाप तो होगा तीनों भुजा के लंबाई का योग, तो तीन गो ए जुड़ेगा तो थ्री ए होगा। अब आप कहिएगा कि सर आप तो बोले हैं अभी कि कोई भी त्रिभुज पर एक बट्टा दो आधार गुना ऊंचाई लगेगा, तो इसमें कहाँ आप लगाए हैं? देखिएगा ये कहाँ से आया है, समझिए ऐसे ही ना आया है। देखो जैसे ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज की थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, है चलो एक त्रिभुज मैं इससे बड़ा बनाता हूँ ताकि पढ़ाने में मजा आ जाए। देखिए अब ये बताओ इस त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो गई, ठीक है ना, त्रिभुज की भुजाएं क्या है ए बी सी। अब इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल निकलना है तो मैंने अभी आपको कहा कि क्षेत्रफल के लिए एक बट्टा दो आधार अगुना ऊंचाई ये जरूर चलेगा, किसी पर भी लागू होगा। लेकिन आप बताओ आधार तो आप ले लोगे, चलो इसको ले लेते हैं आधार, ऊंचाई किसको लोगे? ये ऊंचाई नहीं है, ये तिरछा है, तिरछा ऊंचाई हो गया, गड़बड़ा गया। ऊंचाई होने का मतलब है कि सीधे खड़े खर ना नीचे आइएगा, ये ना हाइट हुआ। जैसे मान लीजिए छत के हाइट मापना है तो ऐसे बांस लगा दीजिएगा कोना कोनी, गड़बड़ाइए जाएगा आपको। एकदम क्या करना है, वो धागा में मान लो कि कोई भारी चीज बांध दिए, लोहा बांध दिए, हाँ ऊपर धागा पकड़ लिया, लोहा को नीचे लटका, वो एकदम सीधा आएगा 90 डिग्री पर मिलेगा, वो हो जाएगा ऊंचाई। तो अब देखिए ये तो आधार हो गया, ये वाला ऊंचाई इसका निकाल लेते हैं। अब ऊंचाई को कैसे निकाले, मान लीजिए ये हाइट हमें निकालनी है, ऊंचाई निकाले, इसको लंब लिख देते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये थीटा यहाँ पर, इस त्रिभुज में हम चेक कर लेते हैं, इस त्रिभुज ये आधा त्रिभुज हो गया इधर, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज का हमें ये वाला निकालना है, तो ये वाला निकालना है, तो एक काम करें कि ये लंब है तो ये कर्ण हो गया, और आधार कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ए था ना, तो इधर जो हो जाएगा भैया यहाँ तो बीचे बीच आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, दोनों साइड रहता ये बराबर तब भी ये बीच में आता, यानी पूरा जो ए था ना, ये जो पूरा ए था, कहने का मतलब मेरा कि यहाँ से यहाँ तक ए था वो अब आधा आधा हो गया, अब हो गया इधर ए बाई टू, इधर भी हो गया ए बाई टू, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर ए बाई टू, क्योंकि ए का आधा इधर आ ए का आधा इधर। दोस्तों इस लंब को अगर निकालना है मुझे तो कर्ण के वर्ग में से यानी ए के स्क्वायर में से घटाना होगा हमको, इतना ले लेते ई वाला ले लेते आधार के स्क्वायर, यानी ए बाई टू का स्क्वायर घटाना होगा। ये आपको फार्मूला पता चलेगा कि फार्मूला बना कैसे था, ये देखो ए स्क्वायर आ माइनस ये ए स्क्वायर बट्टा फोर हो जाएगा। अब आप देखोगे फोर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो थ्री ए स्क्वायर अब बट्टा फोर हो गया। अब देखो थ्री ए स्क्वायर माने रूट थ्री इंटू ए है, अब बट्टा में चार का वर्गमूल कितना है दो, ठीक है ना, चार का वर्गमूल कितना हो गया दो। अब एक बात समझो, इसका जो क्षेत्रफल हमको निकालना है तो एक बट्टा दो आधार गुने ऊंचाई, तो आपको इस पूरे त्रिभुज का ना एरिया चाहिए, तो पूरे त्रिभुज का आधार ये बड़ा यहां से यहां तक ए, एक बट्टा दो आधार अगुना ऊंचाई, ऊंचाई ये पी, और पी का मान आपने क्या लाया है, ये पी का मान आपका आया है यहाँ लास्ट में रूट थ्री ए बाई टू, यानी रूट थ्री ए बाई टू। अब देखो दो दूना चार आ ए स्क्वायर, तो संख्या वाला को इधर रखते हैं रूट तीन आ बट्टा, देखो दो दूना चार बट्टा में, और ऊपर देखो ए गुना ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का हम फॉर्मूला याद करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करते हैं रूट थ्री बट्टा फोर गुने भुजा स्क्वायर, और ये भी याद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी ना रूट थ्री ए बाई टू होगा, रूट थ्री बट्टा ए बाई टू, ठीक है ना, तो याद रहे दोस्तों। अब चलो आपको ये बात आ गया समझ में, देखो अब आपको सीधे याद रखना है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तीनों साइड इसकी बराबर होगी,
तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा रूट थ्री बट्टा फोर अगुना भुजा स्क्वायर। इसका जो परिमाप हो जाएगा, इसका परिमाप तो परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, तो थ्री ए। उसके बाद इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी ना, इसकी ऊंचाई अगर निकालनी हो तो ऊंचाई हो जाएगा भैया रूट थ्री ए अब बाई टू, ये फार्मूला लग जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए सीधे आपको सवाल ऐसे दे देता है, सवाल कह देगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई टू रूट थ्री सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे देगा, कहेगा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है टू रूट थ्री सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बता दो जरा क्या होगा। कह देगा आपसे कि उसका क्षेत्रफल बता दो। अब सुनो, जब ऊंचाई दे दिया है तो आपको ऊंचाई की फार्मूला लिख लेनी है, रूट थ्री ए बाई टू, ये ऊंचाई हो गया। और जबकि ऊंचाई का फार्मूला हमारा है क्या, टू रूट थ्री सेंटीमीटर। अरे रूट तीन से रूट तीन कट गया, ए बराबर कितना हो गया, दो दूना चार सेंटीमीटर, ये हो गया इसकी भुजा। ए का मतलब है कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो भैया क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हमने याद किया, रूट थ्री बट्टा फोर गुना भुजा स्क्वायर, तो चार के स्क्वायर कितना, सोलह, चार से सोलह को चार बार में काटेंगे तो चार रूट तीन। अब वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा जब भी आपको, क्योंकि यहाँ चार के स्क्वायर होगा, चार सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो सोलह वर्ग सेंटीमीटर होता, वो वर्ग सेंटीमीटर लास्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो चलिए ये चीज़ें होती हैं। अब ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज हो गया, अब आपको समझ लेना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु से मतलब होता है, द्वि मतलब होता है दो, और सम मतलब होता है दोस्तों बराबर, ठीक ना। बराबर होना चाहिए, कै गो भुजा, दो गो भुजा, त्रिभुज माने समझ रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुजा से घिरा हुआ आकृति। समद्विबाहु हिंदी में इतना दम है कि उसके शब्द पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि क्या कह रहा है। सम माने बराबर, द्वि माने दो गो, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर है ना वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, हो सकता है यही दोनों भुजा बराबर है, हो सकता था ये दोनों बराबर, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इस बार हम इन दोनों भुजा को बराबर मान लिया है, ठीक ना, ये हमारी तीसरी भुजा हो, तीसरी भुजा हो गई दोस्तों, ध्यान देना। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ये होगी। अभी हम आपको फार्मूला बनाना सिखा देते हैं, ठीक है ना। ये समान भुजा को स्मॉल ए से, जबकि एक तीसरी भुजा को बी से लिख दिया। आप पहले इसकी हाइट पता कर लो, यानी लंब पता कर लो इस त्रिभुज को लेकर, या इसी त्रिभुज को लेकर। तो इसी को लेकर अगर पता करें तो ये लंब कह देंगे, और ये तो 90 डिग्री, चूंकि ये सीधा आएगा तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा ही बनेगा, तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाता है इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं। अब देखो ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ बी था तो ये बी बाई टू हो जाएगा, इधर बी बाई टू हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। तो अब आपको ये कर्ण पता है, ये आधार पता है, तो लंब पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, तो अगर ये लंब हमें पता करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर तो होगा कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, वही पाइथागोरस वाला नियम से। तो सुनो ये लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, कर्ण के स्क्वायर में से घटाओ, ए स्क्वायर में से आपको घटाना है बी बाई टू का स्क्वायर करके। अब देखो तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हुआ माइनस ये बी स्क्वायर अबट्टा फोर हो गया। अब सुनो फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर अबट्टा फोर हो गया। आप ये भी कह सकते हो कि भैया ये हुआ फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अबट्टा में दो हो गया, क्योंकि फोर जो था रूट के अंदर था, जबकि दो आ जाएगा चार से बाहर, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अब कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई हो जाएगी हमारा वही रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बट्टा में हो जाएगा दो। इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल के लिए एक बट्टा दो आधार गुने ऊंचाई, इसमें आपको आधार पूरा लेना है बी, और ऊंचाई क्या लेना है वही चीज़ फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बट्टा में टू, ये दो दूना चार हो गया, ऊपर में बी इकाई बी हो गया, तो बी बट्टा फोर और रूट अंडर ये आपका फोर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर,
एक का मतलब यहाँ है कि दो गो भुजा में से एक भुजा, दो समान भुजा जो है उसकी लंबाई है ए, ठीक है ना। तो इसलिए अब याद करते हम लोग कि समद्विबाहु त्रिभुज का ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये हो गया ऊंचाई का फॉर्मूला। और अगर इसकी परिमाप की बात करें तो दो बार ए या एक बार बी, अरे दो बार ए, दो बार ए या एक बार बी, सबको जोड़ दो, टू ए प्लस बी, ये हो जाता है आपका परिमाप और कुछ नहीं। चलो एक नज़र इसे देख लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो ऐसे हम समद्विबाहु त्रिभुज के फार्मूला को याद करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब हम जरा बात कर लें विषम बाहु त्रिभुज में। विषम बाहु त्रिभुज, अब विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों, विषम मतलब अलग अलग, ठीक ना, जो बराबर नहीं है। तो विषमबाहु त्रिभुज में उनकी भुजाएं बराबर नहीं होगी। तो जब विषमबाहु त्रिभुज होगा तो उनकी भुजाएं बराबर होगी नहीं, तो ए बी सी मान लेते हैं। अब ये ए बी सी हो गया तो इसका परिमाप आप पता कर लो, परिमाप क्या होता है, परिमाप परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। और अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर्स यानी एस से लिखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जितना तीनों भुजा उसको जोड़कर दूसरे भाग दे देंगे अर्ध परिमाप। अब इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है एस माइनस सी। अच्छा एस क्या है, एस एस है अर्ध परिमाप, ए क्या है पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। अच्छा आप कहेंगे सर क्या ये विषम बाहु पर लगेगा, हाँ विषम बाहु पर लगेगा, इस सब पर लगेगा, कोई भी त्रिभुज हो, अगर समकोण त्रिभुज को भी निकालते हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों भुजा को ए बी सी अलग अलग मान लेना। कहोगे कि सर समबाहु त्रिभुज तो अलग अलग नहीं होता है क्या उस पर, तो उस पर भी निकलेगा, ये जनरल है, ये फॉर्मूला सब के लिए है, जब विषम बाहु पर लग गया तो सब पर लग जाएगा, हाँ पक्का। तो इस पर भी आप लगा सकते हो, तो इसका पता चल गया है। अगर इसकी भी ऊँचाई अगर पता चल जाए, यहाँ से यहाँ ऊँचाई दिया हुआ रहे तो आप लगा सकते हो एक बट्टा दू, ऊंचाई इस पर दिया हुआ है तो पूरा ले लेंगे, एक बट्टा दो आधार हो गया ये सी, ऊंचाई हो गया एच, क्षेत्रफल के ये भी चलेगा, सब पर चलेगा। किसी भी त्रिभुज की अगर आधार और ऊंचाई पता है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एक बट्टा दो आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आज कुछ छोटा छोटा चीज़ें आप सीखे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये बेसिक चीज़ जो मैंने इसमें बताया आपको एक बार कॉपी पर खुद से लिखना है, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है अपने मन से मुझे याद है उसी तरह आपको भी याद रहना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो ये फॉर्मूला होता है, समकोण है इसका तो ये फॉर्मूला, आपके दिमाग में रहना चाहिए, सवाल देखते आपको फॉर्मूला याद हो तो आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।